आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ पांच अच्छे लेसन्स जो कि मैंने एसेंशियलिज्म बुक से सीखे थे। जो पहला लेसन है वो है, हमारे लाइफ में हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि रोज़ पार्टी करना एंड रोज़ कुछ नया सीखना, इन दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ इन पर्टिकुलर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ कुछ नया नहीं सीखोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएंगी, आपकी ग्रोथ स्टेग्नेंट हो जाएंगी, आप नई स्किल्स नहीं सीख पाओगे। और उसके दूसरे तरफ पे अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रोज़ पार्टी कर रहा है, रोज़ बाहर जा रहा है, रोज़ बाहर का खाना खा रहा है या रोज़ कहीं बाहर हैंग आउट कर रहा है, तो उस चीज़ का डायरेक्टली आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लॉन्ग टर्म में सहने पड़ेंगे। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं एंड फिर थोड़े टाइम के बाद में हमें ये रियलाइजेशन होता है कि यार वो चीज़ तो इतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं जितना मैं उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहा था, मैं उसको जितना महत्व दे रहा था वो एक्चुअली में उतना महत्व डिज़र्व करती ही नहीं थी। तो एसेंशियलिज्म बुक में लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कैसे फिगर आउट करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सिखाया गया है। एसेंशियल उन चीज़ों को बोला जाता है जो लॉन्ग टर्म में हमारे लाइफ को जीने के लिए और बेहतर बनाती है। जैसे रोज़ कुछ नया सीखना हमको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट लाके देंगी, तो उसको एक एसेंशियल एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं। जो दूसरा बहुत अच्छा लेसन मैंने इस बुक से सीखा था वो है, नो इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस। तो अगर आपको फर्स्ट लर्निंग को फॉलो करना है तो उसको फॉलो करने के पहले आपको सेकेंड लर्निंग को फॉलो करना सीखना पड़ेगा कि लोगों को कोई भी काम के लिए नो कैसे बोलना है। अब पहले वाला एग्जांपल ही कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपको पार्टी में नहीं जाना है तो जो भी इंसान आपको पार्टी में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है उसको आपको नहीं बोलना आना चाहिए कि भाई पार्टी में आना मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो मैं उसको किसी और चीज़ के ऊपर प्रेफर नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। उसके लिए आपको विलिंगली ना बोलना सीखना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर आपके साथ होगा कि आप किसी को नहीं बोलोगे तो उनको वो चीज़ का बुरा लगेगा, हो सकता है कि वो उस नो को बहुत ज़्यादा पर्सनली भी ले ले। बट आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए एज एन इंडिविजुअल प्रायोरिटी क्या है। रोज़ कुछ नया सीखना प्रायोरिटी है या फिर किसी को प्लीज़ करना, किसी को खुश करना एक प्रायोरिटी है। और आपके लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी आएगा जहाँ पे आपके लाइफ में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना नहीं सीखोगे ना, तो आप हमेशा हमेशा के लिए दूसरों को खुश करने वाले ट्रैप में या दूसरों को खुश करने वाले जाल में फंसे के फंसे रह जाओगे, जहाँ पे आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेटिस्फाई करने के बजाय में दूसरों को खुश करने के पीछे पड़े रहोगे। इसलिए आपके लाइफ में जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट नहीं करती हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लाइफ में वैल्यूएबल नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको नो बोलना सीखना पड़ेगा। जो थर्ड बहुत अच्छा लेसन मैंने इस बुक से सीखा था वो है, इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल डू इट फॉर यू। एंड ये लर्निंग को फॉलो करने के लिए आपको अकेले बैठना पड़ेगा एंड ये सोचना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में मेरे लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। क्या मेरे लिए काम मैटर करता है या मेरे काम से ज़्यादा मेरी फैमिली मैटर करती है, ये चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी। इस बुक में ऑथर ने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है जहाँ पे वो खुद ऐसे डिलेमा में फंस गए थे जहाँ पे उन्होंने अपने फैमिली से ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज़ किया था एंड उस चीज़ के बाद में जहाँ पे उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ किया उसके लिए उनको हद से ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटी दी, अपने काम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एंड कहीं ना कहीं इस बुक का आइडिया भी उसी पर्सनल इंसिडेंट से आया है कि क्यों उन्होंने वैसा किया एंड क्यों हमको उस चीज़ से सीख लेके ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड लिटरली अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ चूज़ नहीं करोगे ना, तो आपके लिए कोई और कर लेगा कि तू तो खाली बैठा है ना, चल मेरे साथ चल, कि तू तो खाली बैठा है ना, ले मेरे लिए ये कर दे, कि तू तो खाली बैठा है ना, जा उधर चले जा, वो काम कर ले। ऐसा लोग बोलते ही रहेंगे अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट नहीं करते हो, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ खुद सेट नहीं करते हो कि मुझे क्या काम करना है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। अगर कल को उठ के आपका बॉस बोल देगा कि रात को 12 बजे ये काम करना है, तो क्या आप करोगे? नहीं, वो आपका पर्सनल टाइम है, उसको आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है।
तो वहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज चूज करनी आनी चाहिए कि भाई ये मेरा फैमिली टाइम है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, इसको मैं वर्क टाइम के साथ में सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। जो चौथी बहुत अच्छी लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी है वो है फोकस ऑन लेस बट बेटर। ज़्यादा काम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में ये समझ लिया है कि हर काम की वैल्यू एक बराबर नहीं है, हर काम इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कुछ काम लेस इम्पॉर्टेंट है। पर अब मैटर ये करता है कि जो भी हाई वैल्यू वाला काम है या जो भी हाई इम्पॉर्टेंस वाला काम है, हम उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब हम काम तो कम कर रहे हैं बट उसको कितने बेटर तरीके से, कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ पे हमारा फोकस क्वांटिटी पे नहीं है बल्कि क्वालिटी काम पे, कि हम भले ही काम कम कर रहे हो बट जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। एसेंशियलिज्म में ऑथर का यही बोलना है कि हमको वो काम, एसेंशियल काम जो कि हाई वैल्यू वाले हैं, उनको लेज़र फोकस के साथ में करना चाहिए ताकि हम हाई क्वालिटी आउटपुट डिलीवर कर सके। इसलिए भले ही आप कम काम पिक करो, हाई वैल्यू वाले कम काम पिक करो, बट जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से डिलीवर करने के हिसाब से करना। इसलिए फोकस ऑन लेस बट बेटर, क्योंकि हर काम इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी हाई इम्पोर्टेंस वाले काम है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। जो पांचवा एंड लास्ट पॉइंट है वो है द पावर टू चूज। जो एसेंशियलिस्ट लोग होते हैं ना, वो अपने पावर ऑफ चॉइस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। जो एसेंशियलिस्ट लोग होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि दे हैव टू डू समथिंग, बट वो ऐसा बोलते हैं कि दे चूज टू डू समथिंग, क्योंकि वो अपने लाइफ को बाय डिज़ाइन जीते हैं, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। एसेंशियलिस्ट लोग अन्य लोगों की तरह डिफ़ॉल्ट लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, बल्कि वो अपनी लाइफस्टाइल को खुद डिज़ाइन करते हैं कि ये जो काम है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड मैं इन्हीं काम के ऊपर मैं फोकस करूँगा। उनके टू डू लिस्ट में वही काम होते हैं जो कि मेजर आउटपुट लेके आते हो। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के डायग्राम पे देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड वाला एनर्जी सोर्स तभी अच्छे तरीके से काम करता है जब उसको सही डायरेक्शन मिल रहा हो, एंड उसको राइट डायरेक्शन एंड लेज़र फोकस तभी मिलेगा जब हम उनको एसेंशियल या फिर हाई वैल्यू हाई इम्पोर्टेंस वाली चीज़ों के ऊपर में फोकस करेंगे। तो इसलिए अपनी पावर ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज कीजिए एंड हाई वैल्यू वाले काम को पिक कीजिए जो आपके लाइफ में मेजर आउटपुट लाके दे रहे हैं। तो ये थे वो पांच अच्छे लर्निंग्स जो कि मैंने एसेंशियलिज्म बुक से सीखे थे। अगर आप इस बुक को चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो एंड चाहो तो बाय भी कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमने रिसेंटली एक नया शॉर्ट्स का चैनल भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम एक मिनट के अंदर में बुक के अंदर की लर्निंग्स, इनसाइट्स एंड बुक रिकमेंडेशन शेयर करने वाले हैं। उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।